नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के रक्षा क्षेत्र में एक नए आयाम की। हाल ही में बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज ने भारत के पहले स्वदेशी बमवर्षक यूएवी का अनावरण किया है। इसे FWD-200 भी नाम दिया गया है। ये एक मध्यम ऊंचाई लंबी दूरी तय करने वाला मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन मेल यूएवी जिसे पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन और निर्मित किया गया है। इस ड्रोन के आने से भारत को अब महंगे विदेशी बमवर्षक यूएवी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे मेक इन इंडिया अभियान को भी बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि FWD-200 भी अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन जितना ही सक्षम है, लेकिन इसकी लागत बहुत कम है। उदाहरण के लिए एक प्रीडेटर ड्रोन की कीमत लगभग 250 करोड़ रुपए है, जबकि FWD-200 भी केवल 25 करोड़ रुपए में उपलब्ध होगा। FWD-200 भी न केवल सस्ता है बल्कि इसमें कई अत्याधुनिक विशेषताएं भी हैं। यह ऑप्टिकल निगरानी पेलोड से लैस है और इसे हवा से जमीनी हमले करने के लिए मिसाइलों जैसी हथियार प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। इसकी अधिकतम उड़ान सीमा 200 किलोमीटर है और यह 12 से 20 घंटे तक हवा में रह सकता है। भारतीय वायुसेना को निश्चित रूप से मजबूती प्रदान करेगा। यह सीमा पार की निगरानी, दुश्मन ठिकानों पर हमले और युद्ध के मैदान में सैनिकों को इन्फॉर्मेशन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। FWD-200 भी भारत का पहला स्वदेशी बमवर्षक यूएवी रक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह ड्रोन न केवल भारतीय वायुसेना के लिए क्षमताएं प्रदान करता है बल्कि यह इस बात का भी प्रमाण है कि भारत स्वदेशी तकनीक विकसित करने में सक्षम है। लेकिन FWD-200 को रातों रात सफलता नहीं मिली। इससे पहले भारत ने कई अन्य स्वदेशी लड़ाकू यूएवी बनाने के प्रयास किए थे, जिनमें से कुछ सफल नहीं रहे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने कई वर्षों से स्वदेशी यूएवी विकसित करने पर काम किया है। इनमें से कुछ प्रमुख परियोजनाएं को देखते हैं। निशांत यह पहला भारतीय यूएवी था जिसे 1990 के दशक में विकसित किया गया था। यह एक छोटा टेक और लैंडिंग स्टोल यूएवी था जिसे टोही और निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। रुस्तम यह एक उच्च ऊंचाई वाला लंबी दूरी तय करने वाला यूएवी है जिसे 2016 में विकसित किया गया था। यह भारत का सबसे शक्तिशाली यूएवी है और इसमें हथियार ले जाने की क्षमता है। हालांकि इनमें से कुछ परियोजनाएं देरी, लागत में वृद्धि और तकनीकी समस्याओं से जूझी। निशांत और आकाश को सीमित संख्या में ही तैनात किया गया था और रुस्तम अभी भी अंडर डेवलपमेंट है। FWD-200 की सफलता इस बात को दर्शाती है कि निजी क्षेत्र सैन्य जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियां नवीन और किफायती समाधान विकसित करने में सक्षम है जो DRDO के लिए मुश्किल हो सकते हैं। FWD-200 भी एक उदाहरण है कि कैसे भारत सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर रक्षा क्षेत्र को मजबूत कर सकते हैं।